तो अभी मैं निकल चुकी हूँ ये भीमताल गोरखपुर से ऊपर को, और आज मैं जा रही हूँ अपने घर। तो यहाँ से दिखाते हैं आपको भीमताल होते हुए भवाली तक का व्यू। यहाँ से मेहरागांव स्टार्ट है, जहाँ से भीमताल का पूरा बैकग्राउंड दिख रहा होगा आपको। तो अभी हम पहुँच चुके हैं खुटानी से आगे, सारे खुटानी से हम पहुंच चुके हैं भवाली। ये भवाली एंटर करने के बाद दिखता है ये बाजार जो वो है। नमस्ते, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज मैं अभी जो व्लॉग है वो करी हूँ भवाली से स्टार्ट, और मैं जा रही हूँ आज अपने घर। मेरे को भिन्नता से ध्यान नहीं रहा इसलिए मैं भवाली से स्टार्ट कर रही हूँ वीडियो। तो जाते हैं अभी और दिखाते हैं आपको ट्रिप चकुटिया का। तो अभी मैं आ चुकी हूँ ये भवाली में, और भवाली में रास्ते पे खड़ा हो चुकी हूँ जाने के लिए। कितने सारे लोग वेट कर रहे हैं तो देख सकते हैं। तो ये यहाँ से दिख रहा है कैची धाम वाला एरिया। तो आपको दिखाते हैं अभी अच्छे से कैची धाम। अभी तो ऊपर वाला व्यू और पहाड़ का व्यू देख सकते हैं कितना टॉप क्लास व्यू रहा। और ऊपर से आज का मौसम तो बहुत सही हो रहा था धूप के साथ, और सफ़र में मज़ा आ रहा था। और काफ़ी जगहों में तो ऐसे लैंड स्लाइडिंग हो रखी थी बीच में जब आपदा आई थी उत्तराखंड में नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, तब का है ये। और ट्रिप तो अच्छा ही जा रहा था फिलहाल अभी तक। देखो और नीचे दिख रहा होगा कैची धाम, अभी अच्छे से दिखाते हो आपको। देख सकते हैं ये हो चुका है स्टार्ट। ये है कैची धाम मंदिर जो बाबा नीम करौली जी का है मंदिर। ये काफ़ी फेमस मंदिर है, शांतिपीठ है। एक साथ से लोग यहाँ देश विदेश से आते हैं, बाबा जी को मानते हैं, तो इस वजह से यहाँ आए हैं। बाकी जाम वाम तो बहुत ज़्यादा है यहाँ में। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं रोडों के हाल कितने बुरे हो रहे हैं, क्योंकि ये रोड अभी बीच में वही लैंड स्लाइडिंग के चक्कर में होकर तो पूरी रोड ख़त्म हो गई थी, लेकिन अभी फिर भी रोड जाने लायक तब भी हो रहा है। और ऐसा ही रोड मेरे बच्चे को देख सकते हैं कैसे लकड़ उठ रही है। और साथ में यहाँ पे अभी देखना है आपको इस पुल के नीचे देखना, एक मेढक के सेब का पत्थर है जो काफ़ी फेमस है। देखिए इसको मेढक पत्थर बोलते हैं, उस पत्थर को देखिए एकदम मेढक सेब।
पहुँच चुकी हूँ रानीखेत और अभी यहाँ पे मैं आई थी भवाली से डाक वाली गाड़ी में, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई, आगे वाली सीट पे थी, खाली वीडियो बनाई। और अभी फिलहाल मैं रानीखेत पहुँच चुकी हूँ डाक पे और यहाँ से स्टार्ट होता है आर्मी कैंटीन। पीछे देख सकते हैं आप आर्मी वाली गाड़ी में, तो फिलहाल निकलते हैं। मेरे पास हाँ 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 खेत बाजार वाला एरिया है ये, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप और बारिश बोला था उत्तराखंड में वैसे, लेकिन हुई नहीं आज के दिन बारिश, लेकिन हम तो वेट कर रहे थे बर्फ़बारी का, हो तो नहीं रहा है। मैं रानीखेत में ही हूँ अभी, तो मैं सब घूमते जा रही हूँ क्योंकि भैया अपने सवारी टूट रहे हैं, तो अभी गाड़ी भी खाली हो चुकी है, कोई है नहीं गाड़ी में, तो इसलिए मैं थोड़ा अपनी गाड़ी के अंदर लॉन्ग में आ रही हूँ। इसके बाद मैं जा रही हूँ केम स्टेशन से रोडवे स्टेशन, वहाँ पर देखिए गाड़ियाँ निकलती हूँ। आपका है क्या सामान?
तो अभी फिलहाल मैं रोडवेज़ के बाहर से हूँ और यहाँ पर रोडवेज़ लगी पड़ी है, लेट हो जाएगी थोड़ा भरने में, इसलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ उसके सामने ही आने के कॉलेज रानीखेत के सामने से खड़ी हुई। नीचे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी देखते हैं रोडवेज़ कितने बजे तक निकलती है और निकलते हैं घर पर। अभी जस्ट 15 मिनट पहले मैं घर पहुंच चुकी हूं और अभी का टाइम हो रहा है 1:30 बज चुका है ठीक, और 15 मिनट मुझे हो गया है। आज तो दरहाट में भी गाड़ी नहीं रुकी ज़्यादा और मैं रानी के जैसे उतरी थी तो मुझे दूसरी गाड़ी मिली गई थी, तो मैं उसमें डायरेक्ट आ गई थी और मेरे को वीडियो बनाने का ज़्यादा मौका मिला नहीं क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी गाड़ी में और दरहाट से तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, इसलिए मैं अभी घर आई हूँ। और मैंने जैसे खाना ही खा रखा है और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा पका लड़ जा चुकी हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द होता, धूप से इतना ठंडा भी हो रहा है, तो अभी फिलहाल मिलते हैं आपको फिर से थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा। ओ आंटी पहले बताओ कुकुर कहाँ छू, कुकुर कहाँ चले बताओ, कुकुर कहाँ को पहले कुकुर दिखा, मैं आवाज सुना है छू कहाँ मुझे तो दिखना हो फिर मुझे दिखा लगे रूम आई पहला बढ़िया पहला पहला हो बढ़िया पहला वो पहला मैल तो आवाज सुना ची मैल तो हो आ गए। हाँ ये देखो ये है दिल्ली वाले दो छिप छिपा के आने वाले मुगा बली जा बली रखे हो इन लोगों के घर, दिल्ली से आए हुए लोग हैं, एक ये है एक वो है एक अंदर खोल ताला, जिनके घर आई हूँ मैं इन्हीं की वजह से मैं घर आई हूँ, ऐसे मेरा कोई प्लान नहीं था, इन लोगों ने बोला कि आ जा घर, इसलिए आई हूँ मैं घर पे। और अभी फिलहाल देखते हैं इनका घर, मैंने तो खुद नहीं देखा आज तक, है हमारे पड़ोसी बट मैंने इनका घर नहीं देखा है, तो इनके घर के अंदर जाती हूँ और दिखाती हूँ इनके घर के अंदर कैसा है और क्या क्या है। और अर्जुन कैसा लग रहा तुझे, बहुत मजा आ रहा है, ये देखो ये दिल्ली वाले ठंडा नहीं हॉट बोलते हैं, इसको दिखाते नहीं, इससे ताला नहीं खुल रहा, ऐसे होता है दिल्ली वाले को कुछ कदर नहीं आता, कुछ नहीं आता नहीं करना। ये आईफोन स्वैग देखिए, ये है हमारे यहाँ का एरिया, ये है इनका पुराना घर, यहाँ यहाँ मेरा बचपन बहुत कटा लेकिन अभी उन्होंने इसको छोड़ दिया और यहाँ नए घर में आ गए, हम नए घर वाले ये आइए जा रहे हैं इनके घर, इनके नए रूम है बोलिए, ये बहुत सही, मेरे को भी छोटे घर अच्छे लगते हैं। भात हाथ के छो नीचे पता अर्जुन बाल, तो आज स्पेशल चूल्हे की रोटियां बनाई जा रही हैं और वो बनाई जा रही है दिल्ली वालों से, देख रहे हो दिल्ली वालों से चप्पल भी नहीं उतारे हमारे किचन में, मेरी रोटी फुलूरी
रोटियाँ देख रहे हैं इसकी, अभी दिल्ली वाली की रोटियाँ दिखाते, तो ये देखो जल्दी जल्दी रोटियाँ, फूली फूली रोटी दिल्ली वालों को चिमटे की आदत है, लेकिन हम चिमटे से नहीं बनाते इसलिए हम, और ये साथ में हम आज बना रहे हैं मडवे का भी आटा, इसमें देखो ये देखो ये क्रिसान चेली, चूल्हे में रोटी आज देख सकते हैं, मैं यहाँ से कर रही हूँ चूल्हे में और प्रीति पका रही है यहाँ से इसको, और पीछे से देखो हमारे क्या है इनका नाम क्या है कोठियाल जी, पता नहीं कौन से कोठियाल है, आम आदमी पार्टी हमारे वहाँ चूल्हे के पीछे हमको हवा से सपोर्ट कर रहे हैं, बचा रहे हैं हमको, मुंह बहुत ऑयली हो रहा है क्योंकि मैंने ब्रेसलेट लगा रखा है, दिल्ली वाले से हम काम करा रहे हैं, फिर काम करा रहे हैं, रॉड फूकी गई है फूकी का भी, आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, खूब घूमे फिरे, कभी किसी के घर कभी किसी के घर, और अभी हमने आज खाना ना खा के अपने कमरे बैठे हैं, बाकी सब लोग बैठे हैं जितने आ रहे हैं दिल्ली वाले, सब आग सेक रहे हैं, और मेरी जो बिल्ली थी उस दिन जो उस टाइम पे छोटी छोटी थी आज वो इतनी बड़ी हो गई है, अम्मा के गोद में सो रही है, वो करती हूँ ये पे एंड, उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आज के बाद रोज आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग ही मिलेंगे, तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर करें।